हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं न्यूक सर्वाइवल किट के बारे में। न्यूक सर्वाइवल किट होता क्या है और इसे हम अपने पीसी में इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, पहले तो यही समझते हैं कि न्यूक सर्वाइवल किट है क्या। न्यूक सर्वाइवल किट एक पोर्टेबल टूल मेन्यू है न्यूक के लिए, जहाँ पर आपको हर तरह के गिज़्मो मिलेंगे और ये सब आपको एक टूल बार के अंदर मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये टूल बार है, ये न्यूक सर्वाइवल टूल किट है, जहाँ आपको सारे गिज़्मो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे आप देखेंगे, इमेज के अंदर आपको इमेज के लिए मिल जाएंगे, टाइम के अंदर टाइम के लिए, कलर के अंदर कलर के लिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप उस गिज़्मो को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको डैश ग्रेन, कलर स्मीयर और बहुत तरह के गिज़्मो आपको सब एक ही टूल बार के अंदर मिल जाता है। तो ये बहुत हैंडी हो जाता है कि आपको हर टूल बार बार से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, गिज़्मो को डालना नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इस न्यूक सर्वाइवल टूल किट को एक बार इंस्टॉल करें और आपको सारे गिज़्मो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप ही देखते हैं कि न्यूक सर्वाइवल टूल किट को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके कॉपी और पेस्ट करके इसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह की कुछ वेबसाइट दिखेगी, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है तो आप इस लिंक में आ जाएंगे, मतलब कि आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जाके सीधा क्या करना है, जो एसेट्स हैं उसके अंदर सोर्स कोड लिखा होगा जिप में, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। ये 10 MB की कुछ फाइल है, इसको डाउनलोड होने के बाद ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लें वापस। हाँ, तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, मैं एक और विंडो खोलता हूँ। आपको जाना है माय प्रोग्राम सी में जाना है, सी के बाद आपको यूज़र में जाना है, जो भी आपका वहाँ पे नाम होगा यूज़र का, जैसे मेरा प्रमोद पनेसर है यहाँ पे, उसके बाद न्यूक में जाना है आपको। और यहाँ पे जाके आपको ना ये न्यूक सर्वाइवल टूल किट को पेस्ट कर देना है, ठीक। यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर देंगे। इसका अगर आपको समझना है कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर एक PDF भी दी गई है, तो हम उसे भी खोल लेते हैं एक बार। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि ये क्या है, तो आप जो मैंने बताया वो ही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है, और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आपको यहाँ जाना है वेबसाइट के अंदर, वो डाउनलोड करना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी। तो इसके बाद जो हमारा काम जो है ना, वो ये है कि आप इसके अंदर देखेंगे एक INIT की फ़ाइल होती है, ठीक। तो इसको आपको क्या करना है, खोलना है, यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा, ठीक। तो आपको क्या सिंपली करना है, जो आपको PDF यहाँ पे मिली है ना, उसे ओपन करेंगे आप PDF को, वहाँ पे आपको एक सोर्स कोड मिला होगा ऐसा कुछ, इसको पूरा कॉपी कीजिए, इन सब को हटा दीजिए यहाँ से ना, और यहाँ पे डाल दीजिए। अभी यहाँ पे ये जो चीज़ है ये क्या है, जैसे जहाँ पे आपने अपना न्यूक में पेस्ट किया है ना जाके, जैसे मैंने अभी यहाँ पे पेस्ट किया है इसको, तो मुझे यहाँ से इसे URL को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट करना है। सिंपल इतना सा ही काम है, ठीक है। और आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपने ये अभी कहाँ पे किया है आप ये देख लीजिए, आपने न्यूक के अंदर जाके .nuke फाइल के अंदर जाके न्यूक सर्वाइवल टूल किट के अंदर डाला है, और वहाँ पे INT की फाइल थी, वहाँ पे आपने इसे डाल दिया है। इसके बाद जैसे मैंने एक और यहाँ पे टूल मेन्यू डाला हुआ है पिक्सल फजर का ना, तो ये भी एक गिज़्मो ही है, तो इसकी भी एक INIT फाइल बनती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वो जो आपने अंदर डाला था वो यहाँ पर भी पेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको इतना काम करने का, इसे सेव कीजिए, ठीक।
अपना न्यूक को एक बार रिस्टार्ट कीजिए बंद करके। तो जैसे आप देखेंगे हमारा न्यूक सर्वाइवल किट आ चुका है यहाँ पे। अभी जैसे कि मुझे कोई भी यहाँ से चाहिए, ये चाहिए, तो इस पर क्लिक करूँगा और आपके पास यहाँ पे ये गिज़्मो आ जाएगा। अगर मुझे डैश ग्रीन चाहिए तो यहाँ से लिख के भी डैश ग्रीन को ले सकता हूँ। ठीक, तो अब कैसा है कि आपके पास सारे गिज़्मो जो हैं आराम से आपके पास यहीं पे हैं। आपको कर्व के लिए कुछ चाहिए, मर्ज के लिए अलग से कुछ चाहिए, इमेज के लिए अलग से कुछ चाहिए, तो आपके पास सब गिज़्मो इंस्टॉल हो चुके हैं इतने सिंपल क्लिक से। और जो भी मैंने आपको अभी वेबसाइट दिखाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके आराम से खोल के जैसा मैंने स्टेप बताया उन स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और एक चीज़ मैं आपको अभी बता दूँ, ये अगर आपके पास कोई और मतलब गिज़्मो नहीं इंस्टॉल है ऐसा, तो आपको सिंपल क्या करना है, ये फाइल को उठा के बाहर पेस्ट कर देना है। अभी जैसे मैंने सिर्फ ये पेस्ट किया ना यहाँ पे, तो आपको फाइल को ही पेस्ट कर देना है बाहर और आपका हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर भी बता दूँगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद और आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका नाम है VFX ट्यूटोरियल एंड जॉब अलर्ट, जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे। ठीक, तो इसमें हम जॉब्स के बारे में आपको जो भी जॉब्स वैकेंसी आउट होती हैं जूनियर के लिए, मिड के लिए, सीनियर के लिए, वो आपको सब यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको अलर्ट मिलता रहेगा। और जो भी हम VFX ट्यूटोरियल डालेंगे उसका भी लिंक आपको यहाँ पे, फुटेज का लिंक और वीडियो का लिंक आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को भी प्यार देंगे और इसको भी सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।